वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्या बोलूं इस जन्नत के टुकड़े के बारे में। सो काफी कश्मकश के बाद हमने अपना ट्रिप प्लान किया कश्मीर का, और हम निकले अपनी जर्नी को। जम्मू से श्रीनगर हमने स्टार्ट किया था। सो उसी जर्नी का पार्ट आपको बनाने जा रहे हैं और आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारी एक स्टार्टिंग वीडियो है एक सीरीज की। सो जरूर दिल से देखिएगा, बहुत प्यार से बना रहे हैं, और इसमें हम आपको हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट के बारे में बताएंगे जो आपकी कश्मीर ट्रिप को प्लान करने में आपके काम आ सकता है। सो बने रहिए हमारे साथ। बाकी ट्रिप्स की तरह हमारा बहुत मन था कि कश्मीर भी है जो हम अपनी खुद की गाड़ी से खुद चला के जाएं। लेकिन हम आपको भी यही रेकमेंड करेंगे, और जो हमें लोगों ने बताया कि रास्ते जो हैं वो बहुत ख़राब रहते हैं, स्पेशली दिसंबर से लेके फेब तक, तो आप प्लीज़ फ़्लाइट लीजिए। प्रेफर करें कि आप आफ्टरनून फ़्लाइट लें, क्योंकि फ़्लाइट भी जो है वो बहुत डिले और कैंसिल जो है होती रहती है, क्योंकि वेदर कंडीशंस कुछ खास अच्छे नहीं होते इस टाइम पे। फाइनली हम पहुंच गए अपनी मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन पर, जो कि है श्रीनगर। उसके बाद हम सोच रहे हैं आज पहलगाम जानेंगे और बाद में गुलमर्ग, तो कोशिश करेंगे बढ़िया से शूट करें, आपको दिखाएं। मल्लिका को बहुत पसंद है बर्फ, तो हम बर्फ में जा रहे हैं पहली बारी। हमने हनीमून प्लान किया था स्विट्जरलैंड जाने के लिए, पर किन्हीं कारणवश हम अपने हनीमून पे नहीं जा पाए थे, आज तक नहीं गए हैं, लेकिन देखते हैं अभी कैसा रहता है। सो स्टे ट्यून। जैसे ही आप श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, आपको एक प्रीपेड टैक्सी काउंटर दिखेगा रेड कलर का। वो आपको बहुत सारे पैकेजेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डल लेक जाना है, पहलगाम जाना है, गुलमर्ग जाना है, हर तरीके के वहाँ पे ऑप्शंस होंगे। हाउएवर वो थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आपके पास यू नो स्टैमिना है और आप 1.5-2 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 1.5 किलोमीटर बाद बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो वगैरह सस्ते ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो है पहलगाम नहीं जा रहे हैं आज, हम श्रीनगर में रुकेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल होंगे वेदर के साथ, और प्लान करेंगे कैसे जाना है। और हम लोगों ने जब पूछा, तो जो टैक्सी स्टैंड से जब आप निकलोगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, दैट इज वेरी कॉस्टली, तो थोड़ा सा बाहर आइए, पैदल चलिए, मेहनत करिए, तो सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा। सो 15 मिनट की ऑटो राइड के बाद हम पहुंचे अपने बहुत ही खूबसूरत होटल 4 पॉइंट शेरेटन में, जो कि मैरियट का पार्ट है। सो श्रीनगर में आप जब भी आ रहे हैं, अगर आपको पहलगाम या गुलमर्ग जाना है और आपको स्टे ओवर करना है, या फिर आप आगे नहीं जाना चाहते और श्रीनगर में रुकना चाहते हैं, सो इससे बेस्ट ऑप्शन 6,000 से 7,000 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, और डल लेक से सिर्फ 10-12 मिनट की दूरी पर है, और एक बहुत ही सेफ जोन कैंटोनमेंट जोन में है। मतलब बहुत एलिगेंट सा रूम है, और बहुत मतलब कैसी वाइब बताऊँ आपको, फॉर्मल के साथ साथ मतलब एक श्रीनगर का जो कश्मीरी टच है, और साथ में ये वाली पेंटिंग है, पूरी कश्मीर की वाइब दे रही है। और जो पूरा ओवरऑल मतलब लकड़ी का बहुत अच्छा काम किया गया है, लकड़ी और शीशे का, डैट इज़ लाइक द रिजेम्बलेंस ऑफ कश्मीरी कल्चर। और वुड बहुत अच्छी लगी हुई है, और बहुत एलिगेंट सा रूम है यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर में स्पेशली, तो उसके हिसाब से भी एक सेफ जोन में है, एक आर्मी एरिया में होटल बना हुआ है। सो आप अगर कोई बाहर से आ रहा है, उसको नहीं पता है यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, सो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर बुकिंग दिस होटल इफ़ यू हैव एनी सेफ्टी कंसर्न। सो मुझे काफ़ी मतलब सॉलिड लगा है होटल हर एक लिहाज से। बाहर का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हमारा भी मन करा चलो बाहर चलते हैं, और बाहर का जो टेम्परेचर है इस टाइम है वो है -5 डिग्रीज। सो गाइस, जब भी आप बाहर आए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटेंस ठंड होने वाली है, बर्फ़ गिर रही है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि मैंने 6 लेयर पहनी हुई है अभी। सो जब भी आपको मौका मिले, लेयरिंग में कपड़े पहनिए, मोटे कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला। चाहे पतले पतले कपड़े भी 6-7 पहनोगे वो ज़्यादा इफेक्ट देंगे आपको, ना कि कोई भारी भारी जैकेट आपने 2 पहन लिए या कुछ और पहना उसके नीचे। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डू द लेयरिंग, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट विल हेल्प यू। और आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो अपनी एनर्जी सेव करनी है, और दूसरा आपको बीमार नहीं पड़ना। हल्का सा जुकाम खांसी भी हो गया तो लंबा खिंच सकता है यहाँ पे, और अपना पूरा ट्रिप ख़राब कर सकते हो। सो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और अपना सब सामान वगैरह लेके चलिए। एक्चुअली में काफ़ी सुंदर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था आपको, जो इसका पब्लिक एरिया भी है वो भी बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कोजी सा फील हो रहा है, और यहाँ पे होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। सो हम खड़े हैं अभी होटल के बाहर, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा खाना पीना खाने। होटल में भी ट्राई किया लेकिन वहाँ पर डिनर का सोचा है कि डिनर में खाएंगे, और अभी हम जा रहे हैं डल लेक की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और अभी हम बाहर निकले हैं और हमारे मुंह से धुएं पता नहीं दिख रहे हैं नहीं कि तुम और डल लेक चलोगे क्या? डल लेक कितने पैसे लोगे?
झंडा तो बहुत बड़ा है। अरे यहीं पे किस गेट पर उतरना है? कहाँ पर उतरना? गेट नंबर टू, गेट नंबर थ्री। तो अब हम आ चुके हैं एकदम सपनों की नगरी में, जो कि डल लेक है। शिकारा अपने सामने चलती हुई देखकर बहुत ही मन कर रहा था कि ये राइड ले ले, लेकिन हमने इस एक्सपीरियंस को बचा के रखा है अपने लास्ट डे के लिए। अभी हम खड़े हैं श्रीनगर की मशहूर मिठाई की दुकान पे, नत्थू स्वीट्स। मतलब ये मिठाई की दुकान नहीं है, और ये इसकी ब्रांचेस और भी जगह हैं जो नॉर्थ इंडिया से, उन्हें पता होगा कि कटरा के रास्ते में भी जो है वैष्णो देवी जाते हुए भी नत्थू स्वीट पड़ता है श्रीनगर में, और दिल्ली में भी हैं इसकी कुछ ब्रांचेस। तो यहाँ पे मतलब नॉर्थ इंडियन जो है वो बढ़िया मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता कहाँ जाना है तो नत्थू स्वीट्स डल लेक के पास, आप एक ये पॉइंट भी है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मुझे नत्थू स्वीट जाना है। डल लेक जो है बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना है, आप अलग अलग प्राइस मांगे जाएंगे फेयर के, तो आप बता सकते हैं कि मुझे नत्थू स्वीट्स के पास जाना है खाना खाने के लिए। तो खाना भी यहाँ का अच्छा है, मतलब जो भी नॉर्थ इंडिया से आ रहा है उससे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, टेस्ट बहुत सही है, तो आप आंख बंद करके आ सकते हैं। ये पीछे ही हमारे नत्थू स्वीट्स, आप पढ़ पा रहे होंगे बोर्ड। पंकज को मिल चुका है खाना, कैसा लग रहा है? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना बढ़िया दाल मखनी मिलेगी, और एक खास बात ये है कि दाल के अंदर राजमा नहीं है, काजू डाले हुए हैं। अल्टीमेट अल्टीमेट। तो हमने दाल मखनी जो है वो ऑर्डर करी है, लेकिन राजमा की जगह काजू है, वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है काजू। सो मेक श्योर खाना खाने के बाद आप यहाँ से रोज केक जरूर लें, बहुत बढ़िया है। और आगे चलते हैं सिम लेने। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पिछले जो है आधे घंटे से वेट कर रहे हैं सिम का, हमें सिम ख़रीदना है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ना कश्मीर आने का या जम्मू जाने का, तो बिना सिम कार्ड के प्लीज़ मत आइए। जितने भी इंडिया में प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं किसी भी स्टेट के, वो J&K में नहीं चलेंगे। और उसके पीछे रीजंस जो हैं ऑफकोर्स वो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेट का पोस्ट पेड सिम है तो वो बिल्कुल J&K में चलेगा। अभी जो है हमारा श्रीनगर का डे वन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कल तो हम आए थे, हमने रेस्ट किया, डल लेक का आपको शॉट दिखाया बीच में, और अभी सुबह उठे हैं, अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकलेंगे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है और थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरी है बाहर, अभी आपको शॉट दिखाएंगे। थोड़ी नहीं, बहुत सारी गिरी है। अभी मैं चाहता नहीं आपको वाला शॉट दिखाएं, आपको दिखाएंगे जब एकदम कड़ाके की बर्फ गिरेगी। अभी हल्की हल्की बर्फ है, प्यारी प्यारी। मल्लिका ने पहली बार बर्फ देखी है, फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो। चलो बहुत भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही बढ़िया है, मतलब इन्होंने फोकस किया है नॉर्थ इंडियन खाने पे और साउथ इंडियन ऑफकोर्स इंडियन ब्रेकफास्ट पे। सो ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा जहाँ पे हम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट रिलीज कर पाएंगे। ऊपर श्रीनगर और पहलगाम और गुलमर्ग में मुझे नहीं लगता इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल पाएगा, होप सो। बट यहाँ पर बहुत वैरायटी है इंडियन ब्रेकफास्ट की। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने शुरुआत की अपने अगले सफ़र की, जो कि था श्रीनगर से पहलगाम का सफ़र। और एक बहुत ही बढ़िया यादगार घटना घटी हमारे साथ, जिसने हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो मेक श्योर हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, यार इतना तो बनता है ना सपोर्ट के लिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस जो है वो बनाने का, और आप लोगों के संग ट्रैवल करने का।